हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। उसके साथ साथ इसमें विशेष करके जो मैंने अभी आपको बताया कि 16 संस्कार, 16 के 16 संस्कारों का परिचय भी दिया गया है, भजन संग्रह दिया गया है, कई सारे वेद के महत्वपूर्ण विशेष सूक्तों का भी संग्रह इसमें साथ में दिया है, और विशेष पर्व पद्धतियां भी, जैसे नव संवत्सर, नए वर्ष की शुरुआत कैसे करें यज्ञ से, उसकी जो यज्ञ की विधि होती है वह भी है। आर्य समाज स्थापना दिवस या फिर कोई भी संस्थान विशेष का स्थापना दिवस, रामनवमी, श्रावणी उपाकर्म जिसको हम रक्षाबंधन कहते हैं, श्री कृष्ण जन्माष्टमी, विजयादशमी जिसको हम दशहरा कहते हैं, शारदीय नवसत्श्रेष्ठी दीपावली से लेकर के मकर संक्रांति और वसंत पंचमी, सीता अष्टमी, वसंती, नवसत्श्रेष्ठी, होली, ये कई सारे जो पर्व पर हम यज्ञ करते हैं उसकी विधियाँ भी इसमें दी गई हैं। और उसके साथ साथ जो सामाजिक पद्धतियाँ, जो यज्ञीय जन्म दिवस है, सगाई वागदान जिसको हम बोलते हैं, वैवाहिक वर्षगांठ मनाना है, कोई भूमि पूजन शिलान्यास आदि करना है, भवन का उद्घाटन या गृह प्रवेश आदि करना, उसकी भी विधियाँ, सरलतम विधियाँ और दिशा निर्देश आदि के साथ इसमें दी गई है, मंत्र और मंत्रों के अर्थों के साथ। तो इस प्रकार से, और इससे अतिरिक्त यज्ञों से संबंधित जो प्रश्नोत्तर होते हैं, महत्वपूर्ण जो आवश्यक प्रश्नोत्तर, वो भी इसमें दिया है। तो इस प्रकार से यह विशेष विधियों की पुस्तक, कई सारे अलग अलग विधियों का समूह, वैदिक नित्य कर्म विधि, विशेष यज्ञ विधि के साथ यह पुस्तक भी आप मंगा करके और इस पुस्तक का विशेष लाभ उठा सकते, क्योंकि यज्ञ की महिमा भी, यज्ञ की विधियां भी, और भी बहुत कुछ इस पुस्तक के अंदर दिया गया है। तो ये विशेष करके आप इस पुस्तक को यज्ञ के प्रसार प्रचार से लेकर के यज्ञ करने पर्यंत सब जगह पे इसका लाभ उठा सकते हैं। और ये ऑनलाइन दिव्य प्रकाशन के ऊपर भी यह उपलब्ध है, तो उसको आप प्राप्त कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा इस पुस्तक के विषय में आपको बताया। और इसी प्रकार से दूसरा मैं बता रहा था कि आज पतंजलि योगपीठ से जो कार्य हो रहा है उसमें यज्ञ चिकित्सा के ऊपर बहुत बड़ा कार्य हो रहा है, बहुत बड़ा। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण और विशेष बात है कि जो दुसाध्य रोग होते, असाध्य रोग जिसको हम कहते हैं, उस दुसाध्य असाध्य रोगों के लिए विशेष रूप से कार्य हुआ और उसमें बहुत बड़े परिणाम हमें देखने को मिले। और उसके पश्चात हमने जो अपने प्राचीन ग्रंथों में वेद, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ, आयुर्वेदिक ग्रंथ, इन ग्रंथों में जो विशेष यज्ञ चिकित्सा संबंध में जितने भी मंत्र, श्लोक, सूत्र आदि थे, उन सब का इस पुस्तक के अंदर संकलन किया हुआ है। यज्ञ, योग, आयुर्वेद, चिकित्सा, यह पुस्तक के अंदर यज्ञ चिकित्सा के ऊपर मार्मिक ज्ञान विज्ञान इसमें विशेष रूप से दिया गया। और इसके अंदर विशेष करके जो पंच महायज्ञ हैं उसके बारे में भी बताया है, और चार गुणों से युक्त हविर द्रव्य जो शास्त्रों में बताया, पुष्टिकारक, सुगंधित, रोग निवारक और मिष्ट, इन चार गुणों से युक्त जो विशेष द्रव्य होते हैं उसका सम्मिश्रण करके हम सामग्री बनाते हैं, उसके विषय में
यज्ञ की परिभाषा, पर्यायवाची शब्द आदि से संबंधित भी विस्तार से इसमें बताया है। जो गाय के घी का हम प्रयोग करते हैं यज्ञ में, हवन में, उसकी जो शास्त्रों में महिमा बताई गई है वो भी इसमें विशेष रूप से बताया गया है कि घृता वह दिदी वह प्रतिस्म ऋषतो दह अग्नि त्वम रक्षसी स्वतः। घी से प्रदीप्त यज्ञाग्नि हमारे प्रतिकूल शत्रुओं को और दोषों को सर्वथा भस्म करके उसको दूर कर देती हैं। संपूर्ण लोकों का आधार प्रत्येक पदार्थ में विद्यमान अग्नि को मैं होम के योग्य घी से प्रदीप्त करते हुए साधता हूँ। और भी अलग अलग मंत्रों के माध्यम घीते न द्यावा पृथ्वी पूर्यताम, यज्ञ के माध्यम से घी की आहुति दे करके द्यावा और पृथ्वी को हम आपूरित करें। और आज वही यज्ञ घी ही यज्ञ होता है, यज्ञ सर्पी ही अभवत, अर्थात जो सर्प की तरह गतिशील है वह घृत सर्पी है, अथवा जिस तरह से सर्प सांप हवा में श्वास प्रश्वास की क्रिया के माध्यम से वायु से जहर को अवशोषित कर लेता है, वैसे ही यह यज्ञ हवन अग्निहोत्र करने पर जो घी की आहुति दी जाती वह भी इस वायुमंडल से उसको दूर कर देता है, जहरीली वायु को। देखिए एक घी की बात आई, इसके ऊपर जो अनुसंधान हुए रिसर्च हुए उसका भी कुछ साथ में मैं जोड़ करके आपको बताना चाहूँगा। गाय के घी के अंदर सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है, उसको जलाते हैं तो उससे कीटोन्स बनते हैं, उसके टूटने पर कार्बन की अपेक्षा 6 गुना ज़्यादा ऑक्सीजन रिलीज होता है। ये एक अपने आप में बहुत बड़ी और विशेष बात है कि प्राण वायु ऑक्सीजन को बढ़ाता है गाय का घी हवन करने पर। दूसरा, वो जो गैसें बनती हैं जब हम घी की आहुति देते हैं, सामान्य व्यक्ति देखा है तो उनको लगेगा कि नष्ट हो रहा है, व्यर्थ हो रहा है, कोई काम का नहीं। वास्तव में कोई पदार्थ नष्ट नहीं होता अपितु रूपांतरित होता है। जब यज्ञाग्नि के अंदर गाय के घी की आहुति देते हैं तो रूपांतरित होता है। जब वह रूपांतरित होता है तो कई गुना वह बढ़ जाता है। जैसे हम गाय के घी को यज्ञाग्नि के अंदर हम आहूत करते हैं तो 1864 गुना वो गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, रूपांतरित होता है, बदल जाता है। अर्थात 1 ग्राम घी को जलाते हैं हम यज्ञाग्नि के अंदर तो 1 लीटर 864 ml गैस प्राप्त होती है। 1 लीटर 864 ml गैस, ये छोटा आंकड़ा नहीं, बहुत बड़ी बात। अब यह गैस जो हमें प्राप्त होती है उस गैस को हमने एनालाइज करके देखा है। ये आपको ये पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट में जो वर्तमान में रिसर्च हुई उसकी रिपोर्ट है। उस गाय के घी से निकलने वाली जो गैसें हैं उस गैसों को हमने एनालाइज किया और उसके अंदर 18 प्रकार के मॉलिक्यूल्स कंपोनेंट्स हमें प्राप्त हुए। 18 प्रकार के मॉलिक्यूल्स कंपोनेंट्स यज्ञ के अंदर जिस गाय के घी की हम आहुतियाँ देते हैं उससे निकलने वाले जो मॉलिक्यूल्स या कंपोनेंट्स होते हैं उसके में महत्वपूर्ण और विशेष रिपोर्ट आपके सामने बताऊँ। और आपको आश्चर्य होगा उसके अंदर जो एक गैसें निकली उन गैसों के अंदर जो 18 प्रकार के मॉलिक्यूल्स कंपोनेंट्स हैं उसके अंदर एंटी ऑक्सीडेंट, एंटी माइक्रोबायल, एंटी एफ्लिमेंट्री से लेकर के एंटी कैंसरस पर्यंत कई सारे प्रकार के ऐसे मॉलिक्यूल्स कंपोनेंट्स हमें इस यज्ञ की गैसों के अंदर जो आहूत घी है उसके धूम्र से प्राप्त हुए। अर्थात हम जब बीमार हो जाते हैं, रोगी हो जाते हैं और डॉक्टर के पास जब जाते हैं और उस समय जो हम ट्रीटमेंट चिकित्सा के लेते हैं और जो हमें दवाइयाँ दी जाती उसके अंदर जो मॉलिक्यूल कंपोनेंट पाए जाते हैं वो सारे के सारे इस यज्ञ के माध्यम से गैस फॉर्म में पाए जाते हैं और उसको श्वास के माध्यम से हम ग्रहण करके और अनेक प्रकार के रोगों से हम मुक्ति पाते हैं। इसी प्रकार हमने ये दूसरा आप देख रहे हैं, ये दूसरा एनालाइज हमारे प्राचीन काल से ही हम अपने दादा दादी आदि सब लोगों को देखे तो प्रतिदिन घर में थोड़ा सा गाय के गोबर का उपला जला करके और उसके ऊपर थोड़ा गुगुल या साल के पेड़ का गोंद, राल, जैसे उड़ीसा आदि क्षेत्रों में हम देखें तो राल आदि का विशेष रूप से धूपन में प्रयोग करते हैं। इधर हम देखें तो
गूगल आदि का हम प्रयोग करते हैं, कुछ लोभान का प्रयोग करते हैं, इस प्रकार अलग अलग कुछ मतलब पेड़ विशेष के जो निर्यास गोंद होते हैं, वही गूगल है, राल है और लोभान आदि होते हैं, उसको अंगारों के ऊपर डाल करके उसकी धुनी की जाती है। और हमने गूगल के विषय में वैसे हमारे प्राचीन ग्रंथों में बहुत मार्मिक और विशेष रूप से ज्ञान विज्ञान दिया गया है। गूगल को देते हुए कहा कि न तम यक्ष्मा अरुंधते नैनम सपथो अश्नुते यम भेषजस्य गुलगुलोहो सुरभिर्गंधो अश्नुते। जिस व्यक्ति को गूगल विशेष की सुरभि सुगंधि प्राप्त होती हैं, उसको कैसे कभी किसी प्रकार का कोई रोग बाधित कर सकता है या कैसे किसी प्रकार का रोग उसको हो सकता है। इस प्रकार से हमारे प्राचीन ग्रंथों में शास्त्रों में विशेष करके बताया गया और अथर्ववेद में कहा। और इसी प्रकार से अलग अलग आहारित संहिता आदि में भी गूगल एक मधुर और विशेष कई सारे लाभों को देने वाला। गूगल धूपन कर्म के लिए प्रसिद्ध है। गूगलम धूप कामार्थम प्रसिद्धम मंगलप्रदम। धूप कर्म के लिए गूगल प्रसिद्ध है और मंगलदायक होता है। वह शरीर के बाह्य तथा आभ्यंतर शोधन के लिए प्रयोग में आता है। शरीर के बाह्य शोधन में भी और आभ्यंतर दोनों ही शोधन करता है। गूगल मधुर रस के कारण वात शामक होता है, तिक्त रस के कारण कफ शामक होता है, कसाय रस के कारण पित्त शामक होता है, स्निग्ध गुण के कारण बलदायक तथा कटु रस के कारण अग्नि दीपक होता है। युक्ति पूर्वक यज्ञ के अंदर प्रयोग करने से भी और अंगारों के ऊपर डालकर उसकी धुनी करने पर ये सारे लाभ सिद्ध है। मानी वात पित्त और कफ का संतुलन, शरीर का पुष्ट होना, सुगंधित होने से गुड हार्मोन्स आदि बनकर यह स्ट्रेस तनाव डिप्रेशन आदि से मुक्ति, और देवीय शक्तियों के लिए यह प्रिय होता है। देवी शक्तियों का पूजन अर्चन भी इससे माध्यम से होता है। और अशुभ शक्तियाँ अदृष्ट शक्तियाँ जो परिवारों में क्लेश झगड़े ये इधर उधर की बीमारियाँ से लेकर के अनेक प्रकार के रोगाणु आदि उनको भी दूर करने वाली शक्ति सामर्थ्य इस गूगल के अंदर होती है, तो उसका भी प्रयोग करता है। तो इस प्रकार से यह जो यज्ञ है, हवन है, अग्निहोत्र है, वो विशेष प्रकार के लाभों को देने वाला या प्रदान करने वाला होता है। और गूगल विशेष करके घृत गुलगुलो होमे च सर्वोत्पातादिर मर्दनम का, घी और गूगल का हवन करने पर सभी प्रकार के उत्पात शांत हो जाते हैं। तो ये हमारे प्राचीन ग्रंथों में भी बताया और ये जो यज्ञ योग आयुर्वेद चिकित्सा पुस्तक उसके अंदर भी हमने ये सारे मंत्र श्लोक सूत्र से लेकर के और उसके साथ साथ हमने इसके ऊपर साइंटिफिक रूप से रिसर्च, ये आप दूसरी रिपोर्ट देख रहे हैं, ये रिपोर्ट है गूगल को जलाने पर उसकी धुनी करने पर जो गैस बनती है उसको हमने एनालाइज किया। तो इसके अंदर 25 प्रकार के मॉलिक्यूल्स कंपोनेंट्स पाए गए। कितने? 25 प्रकार के मॉलिक्यूल्स कंपोनेंट्स। और वह जो मॉलिक्यूल्स कंपोनेंट्स होते हैं वो जब वायुमंडल के अंदर आते हैं और वायुमंडल के अंदर जब प्रसरित होते हैं तो वो अनेक प्रकार के अलग अलग रोगों को, दोषों को और अलग अलग प्रकार की बीमारियों को ठीक करने वाले और दूर करने वाले होते हैं। और उसका साइंटिफिक वैलिडेशन भी इसमें दिया हुआ है। ये आप देख रहे हैं गूगल धूप की मंत्र श्लोक आदि प्राचीन ज्ञान से प्रमाणित जो ज्ञान है उसको आधुनिक अनुसंधान की कसौटी पर जो हमने कसा उसके जो प्रमाण है वो भी इसमें दिया। पहले तो ये हमने पूरे के पूरे देश और दुनिया के जितने भी वैज्ञानिक और साइंटिस्टों ने जो काम किया है वो भी इसमें दिया है कि यज्ञ को करने पर, हवन को करने पर क्या क्या होता है और किस प्रकार से लाभ होता है। यज्ञ की अग्नि पदार्थों को सूक्ष्म कर देती हैं, सूक्ष्मीकरण से पदार्थ की शक्ति असंख्य गुना बढ़ जाती है एवं औषधि का वह शक्तिशाली अंश उभर कर सामने आता है जिसे कारण तत्व कहते हैं। स्थूल औषध की तुलना में सूक्ष्म के सामर्थ्य का अनुपात अत्यधिक बढ़ा चढ़ा होता है। ये हनीमैन एक विदेशी साइंटिस्ट हैं, उनके द्वारा यह कहा गया है। और अभी पतंजलि योगपीठ से भी जो हमने रिसर्च किया उसमें भी नैनो टेक्नोलॉजी के ऊपर हमने रिसर्च करके प्रामाणिकता पूर्वक कार्य किया है। उसके इसी प्रकार से अलग अलग जो साइंटिफिक वैलिडेशन के साथ और अलग अलग द्रव्यों का जो प्रयोग होकर के जो अलग अलग रिसर्चें हुई उसका समराइज रूप
जैसे जलती हुई खांड या शक्कर के धुएं में वायु शुद्ध करने की बड़ी शक्ति है। इससे हैजा, तैपेदिक, चेचक इत्यादि के विष शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। फ्रांसीसी प्रोफेसर ट्रिवल्ट ने इसके ऊपर अनुसंधान। इसी प्रकार से अलग अलग सुगंधयुक्त रोगनाशक औषधियों के जलाने से महामारी, प्लेग और अनेक प्रकार के विषाणु जनित रोग दूर हो जाते हैं। और यह कर्नल किंग तथ्य और प्रमाणों के साथ उन्होंने रिसर्च पेपर पब्लिश किया उनसे। तो इस प्रकार ये बहुत सारे रिसर्च पेपरों का भी और वायु प्रदूषण आदि के ऊपर भी जो काम हुआ है उसका भी हमने इसमें दिया है। SOX, NOX, CO, RS, PM, रेस्पिरेबल सस्टेनेबल पार्टिकुलेट मैटर और SPM जैसे मानक दंड प्रदूषकों द्वारा यज्ञ के माध्यम से वायु प्रदूषण के साइंटिफिक समाधान का पता लगाने के लिए किए गए एक अध्ययन में गाय के घी के साथ 324 आहुतियां दी गई थी। इसके साथ ही हवन में पीपल की संविधा, हवन सामग्री का विशेष रूप से प्रयोग किया गया और इस अध्ययन में यह देखा गया कि यज्ञ के बिना स्थिति की तुलना में SOX में क्रमशः लगभग 51%, 60% की कमी आकी गई और RSPM और SPM दोनों में क्रमशः 6 और 65% की कमी आकी गई। मानी जिस वायु प्रदूषण से आज पूरी दुनिया जूझ रही है उसके विरोध में भी यह एक बहुत बड़ा सक्षम साधन यज्ञ और एविडेंस के साथ। तो इसमें एक नहीं कई सारी रिसर्चों का डाटा हमने इसमें दिया है, हिंदी इंग्लिश पूरा बताते और पूरा रेफरेंस के साथ देने का प्रयास किया। इसी प्रकार पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट में, पतंजलि अनुसंधान केंद्र में जो अलग अलग ये मेरे सामने आप औषधियाँ देख रहे हैं कि अलग अलग रोगों के लिए अलग अलग जड़ी बूटियाँ जो हैं उनको अलग अलग जड़ी बूटियों को जलाया और उससे निकलने वाली गैस, जैसे मैंने आपको ये बताया घी का और गूगल का, इसी प्रकार उसका भी डेटा यहाँ शेयर किया है और उसके साथ साथ और भी जो रोगानुसार जैसे हार्ट से संबंधित रोगों से लेकर के अलग अलग जैसे चर्मेष्टि हवन सामग्री है, तो चर्मेष्टि हवन सामग्री जो चर्म रोग होते हैं उनको दूर करने के लिए विशेष करके लाभकारी होती है और उसको हमने अनुसंधान करके और उसकी जो गैसें होती हैं उन गैसों के अंदर वो मॉलिक्यूल्स, वो कंपोनेंट्स जिसके आधार पर आज पूरी दुनिया में दवाइयाँ बनाई जाती हैं, उसके अंदर जो कंपोनेंट्स मॉलिक्यूल्स हम प्रयोग करते हैं वह ऑलरेडी नेचुरली रूप से इस यज्ञीय धूम्र के अंदर पाया जाता है और उसको श्वास के माध्यम से हम लेते हैं, चमड़ी में स्पर्श होने से लेते हैं और उससे वो हमारे रोग ठीक होते हैं। इसी प्रकार वातिष्ठि हवन सामग्री जो जोड़ों में दर्द, कमर में दर्द, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस से लेकर के अनेक प्रकार के जो वातज रोग होते हैं उनको दूर करने के लिए जो मॉडर्न मेडिकल साइंस के अंदर ग्लाइकोल, एरोजोन, बोर्नियोल, ये कई सारे ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो विशेष करके वात रोगों को ठीक करते हैं, दर्द पीड़ाओं को ठीक करते हैं और वातज रोगों में विशेष करके गठिया रोग आदि को दूर करते हैं, वो मॉलिक्यूल्स हैं जो उनको ठीक करने वाले और दूर करने वाले होते हैं, तो वो भी इसमें विशेष रूप से दिया गया है। इसी प्रकार से ये हृदय अष्टि जो ये हार्ट के लिए विशेष रूप से जो काम करती है जड़ी बूटियाँ हवन सामग्रियाँ, तो वो हृदय अष्टि हवन सामग्री उसके अंदर एक ग्लाइकोल, कैम्फर और चीनीमाइल्डिहाइड, ये कुछ ऐसे कंपोनेंट्स मॉलिक्यूल्स होते हैं जो विशेष करके हार्ट को तंदुरुस्त रखने के लिए और हार्ट डिजीज़ को दूर करने में जो उपयोग में आते हैं वो इसकी गैस के अंदर पाए गए। इसी प्रकार से कर्कटेष्टि जो कैंसर रोग ने साइरिंगोल और कैम्फर, ये दो ऐसे मॉलिक्यूल्स कंपोनेंट हैं जो कैंसर को भी मात देने वाले, कैंसर के लिए भी घातक होते, तो इस प्रकार से कैंसर को दूर करने वाले कंपोनेंट्स के अंदर पाए जाते हैं। इसी प्रकार से यह विशेष रूप से संतत्येष्टि जो धातुओं की क्षीणता या फिर यूट्रस की जो दीवार होती वो कमज़ोर हो जाना, थिकनेस कमज़ोर हो जाना, वॉल थिकनेस कमज़ोर हो जाती है,
या इस प्रकार से और भी बहुत सारी समस्याएं अलग अलग पुरुषों में और माताओं में देखी जाती हैं। तो वह जो यौन समस्याएं होती हैं या फिर इससे अतिरिक्त अन्य धातुओं की क्षीणताओं से लेकर के अलग अलग समस्या रहती है, तो उसके लिए भी जो ट्रीटमेंट की आवश्यकता, वो कंपोनेंट्स इस संतत्येष्टि हवन सामग्री के अंदर पाए जाते हैं। इसी प्रकार मेधेष्टि, जो मस्तिष्क से संबंधित रोग होते हैं, बोर्नियल हैं, आयराजोन हैं, कैम्फर हैं और भी इस प्रकार के कुछ मॉलिक्यूल्स कंपोनेंट्स इसके अंदर विशेष पाए जाते हैं, जो मस्तिष्क संबंधी रोगों को दूर करने में लाभदायक होता है। इसी प्रकार से गुग्गुल का, जिसे मैंने आपको बताया है, उसमें भी कई सारे बोर्नियल से लेकर के कैम्फर, ग्लाइकोल से लेकर के मेथेमाइन से लेकर के थ्यूजोन से लेकर के कई सारे ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो अलग अलग प्रकार के कई सारे लाभों को सिद्ध करने वाले, लाभ देने वाले होते हैं। और ये अलग अलग रोगों के लिए अलग अलग हवन सामग्रियाँ, घी से लेकर के और सुगंधेष्टि हवन सामग्री से लेकर प्राणेष्टि हवन सामग्री, प्राणेष्टि सामग्री जो वंशानुगत रोग होते हैं उनको भी दूर करने वाला होता है। कैम्फर, ग्लाइकोल और उसके साथ साथ सायरिंगोल, एरोजोन, ये कई सारे ऐसे कंपोनेंट जो वंशानुगत रोगों को भी ठीक करते हैं और जिसको हम ऑटो इम्यून डिजीज कहते हैं उसको भी ट्रीट करने का जो कार्य है वह करने वाले कंपोनेंट्स मॉलिक्यूल्स इस यज्ञ सामग्री के अंदर मौजूद अवस्था में प्राप्त होते हैं, गैस फॉर्म में, कफेष्टि से लेकर के, ये अर्थात अलग अलग रोगों के लिए जो अलग अलग जड़ी बूटियाँ होती है। और आयुर्वेद में विधान है, आयुर्वेदेषु यत् प्रोक्तम् यस्य रोगस्य भेषजम् तस्य रोगस्य शान्त्यर्थम् तेन तेनैव होमेत। आयुर्वेद में जिन रोगों की शांति के लिए जिन जिन औषधियों का प्रयोग करते हैं उन्हीं औषधियों से हवन करने पर वह रोग हमारे शांत होते हैं। और ये साइंटिफिक वैलिडेशन के साथ भी हमने सिद्ध किया, उसके लिए सामग्री भी अलग अलग रोगानुसार आज पतंजलि से उपलब्ध हैं, तो उसके साइंटिफिक वैलिडेशन का भी दिया स्वामी दयानंद सरस्वती जी की दृष्टि में। यज्ञ वैदिक सुक्तियाँ वेदादि में जो बताया है, यज्ञ के स्लोगन से लेकर के अलग अलग, यज्ञ की यह शुद्ध हवा सब रोगों की है दवा, जो तुम चाहते हो रोगों से छुटकारा तो लो नियमित यज्ञ का सहारा, यही हमारी संस्कृति यही हमारी पहचान, आओ करे मिली यज्ञ सब हो ऋषि राष्ट्र सम्मान, जब होगा योग यज्ञ और ध्यान तभी बनेगा यह भारत महान, हो संकल्प योग यज्ञ का रहे न दुख से मारा, हो समृद्ध तन मन धन से ऐसा हो भारत हमारा, न होता प्रदूषण और रोगों का वार, करते यदि यज्ञ पेड़ पौधों का विस्तार, भवन बन रहे हैं पतन हो रहा है, वो धरा वो जमी पावन है जहां हवन हो रहा है। इस प्रकार से कई सारे स्लोगनों का भी यहां पूरा संग्रह दिया हुआ है यज्ञ से संबंधित स्लोगन। न जाने कितनों ने आहुतियां दी इन अमित्र रोगों के संतापों से, हे वर्तमान भी आज दुखित न पूछो भविष्य के प्रकोपों से, प्रत्युष पावनी होती जहां यज्ञानुष्ठान घर आंगन में, वहां मनुष्येतर सब झूमते शांति भरे सुख आनंद से, इदम हवीर यातु धाना नदी भेन इमाम वहत, अर्थात जैसे नदी का जल जाग को बहा ले जाता है वैसे ही यज्ञ में आहुत की हुई हवि सभी प्रकार के रोग दोष ताप संतापों को वैसे ही बहा ले जाती है जैसे नदी। जागो। यज्ञ के भस्म का सेवन। सभी प्रकार के रोगों में यज्ञ शेष भस्म को छानकर प्रति एक लीटर पानी में 2 ग्राम से 5 ग्राम की मात्रा में कपड़े की पोटली बनाकर जल पात्र में रखकर 8 घंटे के बाद यही पानी पिए। इसी जल में सौंठ का प्रयोग भी अत्यंत लाभदायक है। सामान्य व्यक्ति भी स्वास्थ्य लाभ हेतु इस पानी को पी सकता है।
यज्ञ भारतीय संस्कृति की मुकुट मणि है, प्रतीक है, मूल है। मानव जीवन के हर पहलू के साथ यज्ञ जुड़ा हुआ है, चाहे वह संस्कार, चाहे पूजा पाठ या फिर पर्व से लेकर हर शुभ अशुभ अवसरों में भी यज्ञ करने की सार्वभौमिक, वैज्ञानिक एवं पंथ निरपेक्ष पावनी परंपरा रही है। आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति माँ के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा।